बड़वानी मध्य प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाने को कहा। बता दी कि सेवा सप्ताह में ब्लड डोनेशन कैंप, प्लांटेशन, पॉलिथिन मुक्ति आदि कार्यक्रमों पर जोर दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज सखी रिसोर्ट में ब्लड डोनेशन कैंप से की गई। साथ ही 2 अक्टूबर को 150वीं गांधी जयंती पर स्वराज पद यात्रा प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर निकाला जाएगा। वहीं सभा में उन्होंने संबोधित करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार को खूब कोसा और कहा कि यह सरकार खुद गिर जाएगी। प्रदेश की सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है। जरा सुनिए राकेश सिंह ने क्या कुछ कहा। कि हम गिराएंगे, आज भी मैंने यही कहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो सरकार है, इसके भीतर के अंतर विरोध इतने हैं, कोई मंत्री कोई भाषा बोलता है, कोई विधायक कोई भाषा बोलता है, और इसीलिए ये सरकार अपने अंतर विरोधों के कारण लंबे समय चलने वाली नहीं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर मेरा प्रवास तय हुआ है। इनमें विशेष रूप से कुछ ऐसे जिले मैंने चिन्हित किए हैं जिनमें चुनाव के समय तो आना हुआ, लेकिन विस्तृत रूप से बैठकर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा नहीं हो पाई, क्योंकि विधानसभा चुनाव के मात्र 7 महीने पहले ही मेरी नियुक्ति हुई थी। और इसीलिए ऐसे जिले चिन्हित करते हुए मध्य प्रदेश में मैं अनेकों जिलों के प्रवास पर हूँ, और उसमें हम आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा कर रहे हैं। गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाली ग्राम स्वराज पदयात्रा, जो माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर प्रारंभ होगी, उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। संगठन पर्व पर भी हम चर्चा कर रहे हैं, सदस्यता अभियान पर भी चर्चा कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की गूंगी बहरी सरकार है, जिसने जनता के हितों को ताक पर रख दिया, केवल आर्थिक बंटवारे के आधार पर, वो भी आर्थिक बंटवारा इनके विधायक और मंत्रियों के बीच में, उसके आधार पर ये सरकार चल रही है। इसके खिलाफ पिछले दिनों अभी पूरे प्रदेश में घंटानाद आंदोलन हमने किया था, और आने वाले समय में और भी आंदोलन हो, इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे लिए मध्य प्रदेश की जनता का हित सबसे बड़ा है, सर्वोपरि है। दुर्भाग्य ये है कि डूब प्रभावित क्षेत्र लगा हुआ है। डूब प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पर 900 करोड़ रुपए की राशि तो मध्य प्रदेश सरकार ने अपने ही खजाने से दी, 5,80,000 रुपए की राशि प्रत्येक को मिले ये भी तय किया था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद, ये वही कांग्रेस है जिसने चुनाव के पहले कहा कि प्रत्येक डूब प्रभावित को हम 8,80,000 रुपये देंगे। 8,80,000 तो दूर की बात है, जो 5,80,000 मध्य प्रदेश की सरकार ने तय किए थे वो भी नहीं दे रहे, और 80,000 रुपये की राशि भी ये देने को तैयार नहीं। इससे बड़ी विडंबना दूसरी नहीं। सरकार तो